नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों लौंग को बहुत ही पवित्र माना गया है, पूजा पाठ आदि चीजों में लौंग का विशेष महत्व है। लौंग का प्रयोग स्वास्थ्य और स्वाद के लिए भी बहुत फायदेमंद है और साथ ही साथ ज्योतिषीय विज्ञान में और ज्योतिषीय उपायों के लिए भी ये बहुत कारगर माना गया है। लौंग के प्रयोग से की गई पूजा बहुत ही जल्दी फल दिखाती है। इसके अलावा तंत्र मंत्र में भी लौंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसे ऊर्जा का वाहक माना जाता है और अपनी किस्मत को बदलने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप भी चाहें तो लौंग के जो आजमाए हुए टोटके हैं, जिन्होंने अब तक असर दिखाया है, उन टोटकों का आप उपाय के रूप में अपने जीवन में आजमा सकते हैं और अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। दोस्तों कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है और इस त्योहार को धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस के अगले दिन छोटी दिवाली और उसके बाद बड़ी दिवाली के रूप में पर्व मनाया जाता है। इस पर्व पर चारों ओर हर्ष और उल्लास खुशियां ही देखने को मिलती है। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी, भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यता ऐसी है कि धन्वंतरी जो भगवान है, उनका धनतेरस के दिन समुद्र मंथन के समय आगमन हुआ था और अपने साथ वे एक अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस दिन लोग बर्तन और खासकर से कलश अवश्य लेकर आते हैं। मान्यता है कि इस दिन अगर आप पूजा पाठ में कुछ खास चीजें अपनी पूजा में शामिल कर लेते हैं तो आपके घर में धन, सुख और समृद्धि का वास होता है। धनतेरस के दिन कुछ खास टोटकों को अगर आप किया जाए तो आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। इसीलिए दोस्तों आज हम आपको दो लौंग का यानी कि एक लौंग के जोड़े का एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिसे करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं मिट जाएंगी। दोस्तों ये उपाय जब लौंग का है तो स्पष्ट है कि माता रानी के लिए किया जाता है और माता लक्ष्मी जी को लौंग इतनी प्रिय है कि जो कोई भी व्यक्ति लौंग का जोड़ा उन्हें चढ़ाता है, यानी कि दो लौंग जो भी चढ़ाता है, उस व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार के संकट खत्म हो जाते हैं, दुख, दरिद्रता और गरीबी का नाश हो जाता है। बस आपको करना यह है कि आप शाम के समय हाथ मुंह आदि धोकर के स्वच्छ हो जाएं और कुछ गंगा जल के छींटे भी अपने ऊपर मार लें और अपने घर में जहां भी पूजा का मंदिर है वहां पर आप जाकर आसन लगाकर बैठ जाएं। आसन अगर लाल रंग का हो तो ये बहुत ही अच्छा है। अब अपने मंदिर में एक लाल कपड़ा बिछा लें। इस लाल कपड़े पर आप दो लौंग और एक दीपक रख लें। दीपक में आप देसी घी डालें। देसी घी डालने के बाद दीपक में लाल रंग की धागे से बनी हुई एक बत्ती लगाएं और माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए माता लक्ष्मी जी की तस्वीर के सामने आप इस दीपक को प्रज्वलित कर दें। हाथ जोड़ करके माता लक्ष्मी जी से निवेदन करें कि आपके सभी गरीबी और आपकी जो भी समस्याएं हैं उसका निवारण करें। इसके बाद आप माता लक्ष्मी जी की आरती भी करें। आरती कर देने के बाद दोबारा से आप अपने आसन पर बैठ जाएं और अब इस एक लौंग को, जो दो लौंग आपने ली हैं उसमें से एक लौंग को आप अपने दीपक में डाल दें और माता लक्ष्मी जी से अपनी सभी मनोकामनाएं कहें। इससे पहले जो आपने कहा था वे अपनी समस्याएं कही थी और अब जो आप कहेंगे हाथ जोड़कर वे अपनी मनोकामना कहेंगे। अपने गरीबी का नाश करने की मनोकामना, मनचाहा धन प्राप्त करने की मनोकामना, नौकरी में तरक्की या फिर नौकरी लगने की मनोकामना या फिर व्यापार में बढ़ोतरी हो, इस प्रकार की मनोकामनाएं आप माता लक्ष्मी जी से कहें। और जब दोनों जब सभी मनोकामनाएं कह लें तब दूसरी लौंग को भी इसी दीपक में आप डाल दें और उसके बाद दीपक के पूर्ण हो जाने का यानी कि दीपक के बुझ जाने का इंतजार करें। जब ये दीपक बुझ जाए तो इन दोनों लौंग को निकाल कर अगले दिन यानी कि धनतेरस से अगले दिन आप जाएं और एक पीपल के पेड़ के नीचे इसे गाड़ दें। दोस्तों गाड़ दें, उसके जब गाड़ दें तो उसके बाद आप पीपल के पेड़ के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके माता लक्ष्मी जी से और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि आपकी जो भी अपनी मनोकामनाएं मांगी है वे जल्द से जल्द पूर्ण करें। दोस्तों यह उपाय इतना कारगर है कि जिस किसी व्यक्ति ने आज तक किया है उसका कभी खाली नहीं गया, उस व्यक्ति के जीवन में गरीबी का नाश हुआ है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय माता दी, जय मां लक्ष्मी, जय बजरंगबली।